नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय हम हैं डोगरा चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा आज जो है रैली निकाली जा रही है। क्या कुछ खास इस रैली में रहने वाला है? जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है हर कोई रैली निकाल रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाल सिंह जो है वो घोड़े पर इस समय सवार होकर रैली को निकालते हुए। सर, ओ भाई आगे ले जाए यार। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप इस समय देख सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन का दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होने वाला है, और ऐसे में हर कोई पार्टी जो है कंपेनिंग में जो है जुटी हुई है। और आप इस समय डोगरा चौक की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो है लगातार यहाँ पर जो है रैलीज निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और इस समय लाल सिंह जो है, चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या करना है? शुक्रिया करेंगे लोगों का, धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से बढ़िया तादाद है, हाजिरी है और वोट डालने का मूड है जिनका सबका। घोड़े भी चढ़ के आए हुए, देखे माहौल नहीं है क्या? इतना बढ़िया माहौल कभी हुआ नहीं। तैयारी पूर्ण रूप से है? हाँ, पूरे अब पूरी जंग लड़ रहे हैं इस समय। ये है हमारे साथ चौधरी लाल सिंह, जिनका ये कहना कि हम जो है इस समय तैयारी पर हैं और जंग लड़ने की जो है तैयारी वो लगातार है। और आप ऐसे में देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है इस समय तैयारी है। सर, 26 तारीख को जो है दूसरा चरण शुरू होने वाला है। किसान और मजदूर और एम्प्लाई वर्ग बहुत ही गुस्से में है। ये सारा गुस्सा 26 तारीख को एक जन समर्थन के रूप में भल्ला साहब के चुनाव निशान हाथ पर मोर लगाएंगे, बटन दबा के भारी मतों से भल्ला साहब जम्मू लोकसभा से जीतेंगे, मुझे इस आशा है। और आज आप जन समर्थन देख रहे हैं कि सैलाब जम्मू के रोड्स पर सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आज कांग्रेस द्वारा एक रैली निकाली गई है और कैंपेन जो है लगातार जो है शुरू हो रहे हैं, और आज जो है आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे तक तो है पॉलिटिकल पार्टी जो है कैंपेन करते हुए नजर आएंगी। और ऐसे में जम्मू के डोगरा चौक से लेकर आगे की और ये रैली जो है कूच कर चुकी है, और देख सकते हैं कि काफ़ी जो मात्रा में लोग हैं इनके साथ जो है इस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। और जैसे में बार बार कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार जो है हम बीजेपी को पछाड़ देंगे और काफ़ी भारी मतों से जो है आगे आएंगे। अब 26 तारीख को जो है दूसरा चरण, दूसरे फेज का जो है पोलिंग होने जा रही है, और ऐसे में लोग जो हैं उनसे भी बार बार जो लोगों से अपील की जा रही है, चाहे ECI के द्वारा हो, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा हो, उनका यही कहना है कि बाहर आइए, अपने वोट को ज़ाया ना करें। अगर आप वोटर हैं तो अपने जो मतदान देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको जीवल चौक से दिखाते हुए, जहाँ पर आज जो है कांग्रेस के द्वारा एक भव्य रैली जो यहाँ से निकाली गई है। जिस तरह से कंपेनिंग का जो दौर है वो इस समय काफ़ी गर्माया हुआ है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की जो है आगाज हो चुका है और दूसरा चरण जो है अब 26 तारीख को होने वाला है, तो ऐसे में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंपेन करके लोगों को अपना मैनिफेस्टो बताते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग इस समय जो है एक्साइटेड भी हैं, और कांग्रेस के नाम के जयकारे लगाते हुए आगे की ओर निकलते हुए। तो कांग्रेस के द्वारा आज जो है एक भव्य रैली जो है निकाली गई है, जिसमें देखा आपने जो लाल सिंह जो है इस पर कैंपेन का मुख्य हिस्सा बने हुए थे, क्योंकि जिस तरह से 26 अप्रैल को जो है लोकसभा इलेक्शन का दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में आज शाम 5 बजे तक हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कैंपेन करने में जुटी हुई है, ताकि लोगों से अपील की जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को वोट देकर जो है उन्हें जिताए, ताकि जो आने वाला समय है उसमें जिस भी पार्टी को वो जिताते हैं और वो पार्टी जो है वायदे जो भी उन्होंने इनके मैनिफेस्टोस हैं, जो भी उनके वादे हैं, वो उन पर खरा उतरे और जनता की सेवा में हाजिर रहे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।